मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज हम योग के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि महायोगी कौन बनता है। योग दर्शन के दूसरे अध्याय अथ साधन पाद के 36वें सूत्र में कहा गया है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योग साधक में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। स्पष्ट है, जब योगी सुनिश्चित रूप से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह बिना कर्म किए भी फल प्राप्त कर लेता है। सत्य मात्र दृष्टा आत्मा है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है वह नश्वर है। जब इस सत्य में भली भांति स्थिति आ गई तो श्रद्धा केंद्रित हो जाती है, ऐसे में उस परमात्मा का आश्रय मिल जाता है और परमात्मा विधिवत योग क्षेम करने लगते हैं। सत्य की दृढ़ स्थिति में साधक में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, वह समस्त कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। साधक की वाणी द्वारा जो भी शाप वरदान आशीर्वाद दिए जाते हैं वे सभी सत्य होते हैं। यगादि श्रेष्ठ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह फल उसकी वाणी द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकाल में सत्यनिष्ठ योग साधक द्वारा ऐसी भावना धारण करने से कि असत्य वचन का प्रतिपादन नहीं करूंगा, तब उसका अंतस इतना निर्मल हो जाता है कि उसकी वाणी से वही बात निकलती है जो क्रिया रूप में परिणित हो जाती है। इस सूत्र में पतंजलि ऋषि स्थूल घटना और सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह के बीच सघन संबंध स्थापित करते हैं। अनुभवी योग साधक जानता है कि जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना सूक्ष्म प्रकृति के ऊर्जा प्रवाहों की कोख से ही जन्म लेती है। यदि इस ऊर्जा प्रवाह के चक्र में परिवर्तन कर दिया जाए तो सामान्य जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना भी अपना रूप परिवर्तित कर लेगी। सामान्य जन इसको विवाद या बहस का विषय बना सकता है, लेकिन योग साधक व सिद्ध जन के लिए यह नित्य अनुभव की वस्तु है। वे इसी रीति से स्वयं के और स्वयं के पास आने वालों के जीवन से अशुभ घटनाओं को हटाते मिटाते रहते हैं या उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं। शुभ संकल्प एवं शुभ भावनाओं के साथ जो व्यक्ति सत्य को अपने व्यवहार विचार एवं भावनाओं में प्रतिष्ठित करता है वह इस क्रमिक अभ्यास से स्वयं सत्य संकल्प रूप परमेश्वर में प्रतिष्ठा पा जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी सत्य वाणी उसका सत्य संकल्प स्वयं ही क्रिया फल का आश्रय हो जाता है। उसकी कही हुई वाणी उसके द्वारा लिए गए सभी संकल्प कभी असत्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी चिंतन चेतना भाव प्रवाह सीधे परमेश्वर के परम ऊर्जा प्रवाह से जुड़े रहते हैं। वही उसकी सत्यवाणी व सत्य संकल्प से प्रवाहित होता है। जिन साधकों की वाणी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो वे सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो सत्य बोलता है सत्य में प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी से जो कुछ भी बोला जाता है सत्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी वाणी बिना कुछ किए ही क्रियाफल का आश्रय बन जाती है। सच्चा योग साधक ही सत्य में प्रतिष्ठित होता है और उसके समस्त कार्यकलाप कथन सत्य होते हैं। सत्य की प्रतिष्ठा से वह परम तत्व में संलिप्त हो जाता है, जिसके फल स्वरूप वह सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह से सघन संबंध स्थापित कर लेता है। ऐसे में सभी घटनाएं बदलने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। वह जब चाहे किसी भी घटना को बदल सकता है। वह योगी से महायोगी बन जाता है।
क्योंकि वह स्वयं सत्य हो जाता है। अगले सप्ताह हम किसी अन्य चर्चा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों। हरिओम।